फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब। आज हमने यूनिट नंबर 5 जो है वो करना है, केमिकल रिएक्शंस। ये आपका यूनिट नंबर 5 है। आज हमने केमिकल रिएक्शंस हैं उनकी एग्जांपल करनी है। कल आपने पढ़ा था कि एटम्स जो हैं वो रीअरेंज होते हैं और रीअरेंज होकर वो न्यू प्रोडक्ट्स हैं बनाते हैं, सब्सटेंसेस बनाते हैं। आज हम एग्जाम्पल्स देखेंगे कैसे केमिकल रिएक्शन जो हैं होते हैं और नए सब्सटेंसेस बनते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपने याद रखनी है टर्म सिम्बल। सिम्बल किसे कहते हैं? जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट है, कार्बन है, इसी तरह से सोन, मुख्तलिफ हमारे सब्सटेंसेस होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। ये एलिमेंट्स जो हैं, जब हम केमिकल रिएक्शन शुरू कर रहे होते हैं और केमिकल इक्वेशन में इनको जाहिर करते हैं, तो हम इनका फुल नेम यूज़ नहीं करते। हम सिर्फ जो है फर्स्ट लेटर लिखते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए हाइड्रोजन को या कार्बन को। तो ये रिप्रेजेंटेशन जो हम कर रहे हैं फर्स्ट लेटर से, इसे सिंबल बोला जाता है। यहाँ से इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हो, एब्रिविएशन यूज्ड इंस्टेड ऑफ फुल नेम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंबल। जैसे अब मैंने नीचे जो दो एग्जांपल लिखी थी, इसकी सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रही हूँ। हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट किया जाता है H से, कार्बन को C से, सो ऑन। अब आपने यहाँ पे ये याद रखना है कि जो सिंबल्स होते हैं ये रिप्रेजेंट किसको कर रहे होते हैं। तो सिंबल जो हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। जैसे ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाइड्रोजन का एक एलिमेंट जो है एटम मौजूद है इस एलिमेंट में। इसी तरह कार्बन का एक एटम मौजूद है। अब आपने एक और चीज़ याद रखनी है कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस में जब हम ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जैसे H2O और ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हमने की है H2O फॉर्म में, ये बेसिकली केमिकल फॉर्मूला शुरू कर रहे हैं। ये वाटर का केमिकल फॉर्मूला है जिसको हमने सिंबॉलिकली दिखा दिया। ये H2 जो है हाइड्रोजन का सिंबॉलिक जो है फॉर्मूला है, इसको केमिकल फॉर्मूला बोला जाएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो है केमिकल फॉर्मूला है, इसी तरह सोन। और जो हमारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनमें जो केमिकल इक्वेशंस बनती हैं, इक्वेशंस में सिर्फ केमिकल फॉर्मूलेज और सिंबल्स हैं उनको यूज़ किया जाता है, और उसका इस्तेमाल करते हुए आप एक रिएक्शन जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक के जानिब, केमिकल रिएक्शंस की एग्जांपल्स देखते हैं। आपकी फर्स्ट एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल अच्छा इसमें होगा क्या? कोल क्या है सबसे पहले ये देख लो, कोल यानी कोयला। आपने इसका कलर देखा होगा, ब्लैक कलर में ही होता है और सॉलिड फॉर्म में ही होता है। कोल जो है ये बेसिकली एलोट्रोपिक फॉर्म है। कार्बन जो है वो एक से ज़्यादा इश्काल में पाया जाता है, और उसकी जो बहुरूपी इश्काल होती है ना, जो वो बनाता है अपनी असल शक्ल के अलावा, उन्हें एलोट्रोपिक फॉर्म बोला जाता है। और कोयला उसकी एक एग्जांपल है। इस तरह से डायमंड भी जो है कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है, इस तरह मुख्तलिफ उसकी फॉर्म्स पाई जाती हैं। अभी हम कोल को डिस्कस करेंगे। तो कार्बन यानी कोल किससे बना हुआ है? कार्बन एटम से। कोल से मुराद है कार्बन एटम। अब होता क्या है, बर्निंग करनी है हमने, हम कोल को जो है कार्बन को जला रहे हैं। जब हम इसको जलाएंगे तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ रिएक्ट करेगी। ये एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन है ऑक्सीजन की, यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहे हैं। इसमें बेसिकली हुआ क्या है, जो कोल का कार्बन एटम था और ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं, इन्होंने खुद को रीअरेंज किया और कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ जाकर अटैच हो गई। ये आपका कार्बन एटम है, ये इसके साथ
ऑक्सीजन एटम जो हैं वो अटैच हो गए। यूँ इन दोनों को जिनको रिएक्टेंट बोला जाता है, कल आपने पढ़ा था, और ये जो है प्रोडक्ट है, इसमें आपने देखा कि एटम्स रीअरेंज हो रहे हैं, अरेंज होकर नई प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन, और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन, इंटायरली चेंज है, मुकम्मल तौर पर एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। कार्बन की अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन है, ऑक्सीजन की अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन है, लेकिन जब प्रोडक्ट बनी है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है और इसकी अपनी अलग से केमिकल कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज होंगी। और कल आपने केमिकल रिएक्शन की ही डेफिनेशन पढ़ी थी कि जिसमें केमिकल कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज, जो नया सब्सटेंस बनता है उसकी इंटायरली चेंज होती है। ये सॉलिड था और ये गैसियस फॉर्म थी, और आगे आपको गैसियस प्रोडक्ट जो है वो मिल गई है। यूँ एक एग्जांपल जो है आपकी कंप्लीट हुई। अब दूसरी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखेंगे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या है? नेचुरल गैस वो गैस है जो आमतौर पर हम घरों में जो है कुकिंग ऑयल, कुकिंग स्टफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने फूड को कुक करने के लिए बनाते हैं। इसका केमिकल फार्मूला अगर आप देखोगे तो इसका केमिकल फार्मूला होता है CH4, यानी एक कार्बन एटम है और उसके गिर्द जो हैं आपको चार हाइड्रोजन एटम मिलेंगे। ये इसका केमिकल फार्मूला और स्ट्रक्चर है। मिथेन गैस क्या होती है? इसको बोलते हैं मिथेन। नेचुरल गैस जो है इसका नाम मिथेन गैस होता है बेसिकली। अब ये मिथेन गैस करती क्या है? इस मिथेन गैस को जब आप जलाते हो तो इस केस में भी हवा में मौजूद जो ऑक्सीजन होती है वो इसके साथ रिएक्ट कर जाती है ताकि प्रोडक्ट बने। अब ये कार्बन और ये हाइड्रोजन एटम्स की अरेंजिंग के लिए आपको स्ट्रक्चरल जो है फॉर्मूला वो भी साथ साथ बनाना पड़ेगा। और ये ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं, ये मिल रहे हैं, और इनके मिलने से अब क्या बनना है? ये कार्बन जो है ये अरेंज होगी इस तरह से कि ये ऑक्सीजन के एटम्स जो है अपने साथ जोड़ेगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देगी। सेकेंड, ये जो हाइड्रोजन एटम्स हमारे पास मौजूद हैं ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पानी बनाएंगे। ये H2 है, यानी दो हाइड्रोजन है। ठीक, अब यहाँ पर आपने देखना ये है कि जो मिथेन और ऑक्सीजन के मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है, इनके एटम्स की तादाद बराबर है या नहीं है? यहाँ पर ऑक्सीजन के दो एटम्स मौजूद हैं और कार्बन का एक एटम मौजूद है, जो कि यहाँ पे एडजस्ट हो गया है। ठीक है, लेकिन हमने वाटर के साथ भी एक एटम ऑक्सीजन का लिया है जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसके लिए हम अब तादाद को सेट करने के लिए अपनी इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, और यहाँ पर O2 है, इसके साथ मैं 2 लगा रही हूँ। यहाँ पर अभी यहाँ पर O2 का मतलब था 1 मॉलिक्यूल, ऑफ ऑक्सीजन हैविंग 2 एटम्स, जिसमें ऑक्सीजन के 2 एटम मौजूद थे। ये एक मॉलिक्यूल था। अब एक को हम ना भी लिखें तो कुछ नहीं होता, हमें पता होता है। अब अगर मैं यहाँ पे 2 लिख देती हूँ, जिसका मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हैविंग 2 and 2, 4, having 4 atoms of oxygen. अब इसमें 4 atoms मौजूद हैं oxygen के। यहाँ पर मैं इसको balance करने के लिए 2 लगा दिया। अब हमारे पास कितने atoms हो गए हैं? 4। और आगे देखो, आगे 2 यहाँ पर oxygen के atoms हैं, 1 और 1, 2, 4 यहाँ पर हैं। यानी 4 atoms यहाँ पर पूरे हो गए। यहाँ पर अब balancing में यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2, 2 ये और 2 ये, 4। अब अगर आप देखो तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? अभी पीछे वाले के मुताबिक हाइड्रोजन में के भी 4 एटम्स मौजूद हैं यहाँ पर। अब 4 एटम हाइड्रोजन के मौजूद हैं तो ये काउंट करो 1, 2, 3, 4, ये 4 एटम्स ही हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पे भी H
फोर लिखा हुआ था, इसका मतलब हाइड्रोजन के चार एटम्स थे। यूँ आपकी ये इक्वेशन बैलेंस भी हो गई और आपका केमिकल रिएक्शन भी कंप्लीट हो गया, जिसमें कार्बन ने अरेंज किया उसको ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन ने उसको अरेंज किया ऑक्सीजन के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर जो है वो आपका बन गया। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी हो गई, एटम्स की रे अरेंजमेंट भी हो गई, ये चीज़ें जो हैं रिएक्टेंट हैं और ये दोनों चीज़ें जो हैं आपकी प्रोडक्ट हैं। और जो प्रोडक्ट बनी है उसकी केमिकल कंपोजिशन जो है वो इंटायरली डिफरेंट है फ्रॉम द रिएक्टेंट। अब थर्ड एग्जांपल देखते हैं, थर्ड हम देखेंगे एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन जो है वो रिएक्ट करती है ऑक्सीजन गैस के साथ, ये दोनों गैसेज हैं ये रिएक्ट कर रही हैं। और इनके रिएक्ट करने से रिएक्टेंट जो है रिएक्ट करें और इनके रिएक्ट करने से आपको वाटर मिल रहा है, पानी बन रहा है, ठीक है। और ये पानी जो है इसमें हो क्या रहा है, ऑक्सीजन जो है उसके गिर्द हाइड्रोजन एटम अरेंज हो रहे हैं, क्लियर। अब यहाँ पे देखो H के दो एटम्स हैं, ऑक्सीजन के दो एटम, यहाँ पे हाइड्रोजन के दो एटम हैं, ऑक्सीजन का एक एटम है। ऑक्सीजन के एटम को पूरा करने के लिए हम यहाँ पर बैलेंस करेंगे इक्वेशन को, वो किस तरह से, मैं यहाँ पर टू लगाऊंगी तो ऑक्सीजन के चार एटम हो गए, यहाँ पर मैं टू लगाऊंगी तो हाइड्रोजन के चार एटम्स हो गए, नहीं इस तरह से ऑक्सीजन के एटम ज़्यादा हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे हाइड्रोजन के साथ टू लगा देंगे। इसके चार एटम हो गए, इसके दो एटम हैं, यहाँ पे मैंने टू लगाया तो टू टू द फोर, हाइड्रोजन के चार एटम पूरे हो गए और ऑक्सीजन के दो एटम जो यहाँ पर हैं वो भी पूरे हो गए। यूँ हमारे पास दो स्ट्रक्चर हैं वो बनेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स के, ये प्रोडक्ट है हमारी और ये भी इंटायरली डिफरेंट है फ्रॉम द रिएक्टेंट। यूँ आपकी रिएक्शन हैं केमिकल रिएक्शन, उनकी एग्जांपल के साथ जो है आपने समझ लिया कि किस तरह से एटम रीअरेंज होते हैं और प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि इंटायरली डिफरेंट होती हैं। कल के लेसन में हम इनके एप्लीकेशन पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस को कैसे अप्लाई किया जाता है। तब तक के लिए स्टे इन टच, स्टे सेफ। अल्लाह हाफ़िज़।